आजकल मीशो मीशो बहुत हो रही है ना, अमेजोन के बाद मीशो ही दिखा रहे हैं जा। आज बहुत ठंड लग रही है और आज पूरे दिन भर बारिश थी। समोसा चाट, अरे वाह मस्त लग रहा है भाई। जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टर्नल था, उन समय मैं सबका सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और कल रात जो बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से ना एकदम माहौल जो है ना गुम सा हो गया। गुम मतलब ठंडा नहीं है ज़्यादा, हवा भी नहीं चल रही है और अच्छा सा हो रखा है, पता नहीं क्यों। और कल रात अच्छी बारिश हुई थी, फिर कुछ ही देर हुई, फिर उसके बाद बंद हो गई। और कान्हा जी चले गए अपने स्कूल, ये चले गए ऑफिस, खुशी जी नहा रही हैं। और चलिए गाइस टाइम हो गया 7:30, मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, फिर करते हैं घर का काम। चाय बन गई है बोल रही है खुशी, तो चलिए चाय पीते हैं भाई, ठंडी भगाते हैं, चाय पीते हैं। मैं बनाऊंगी मेथी की सब्जी विद रोटी, और मेरे को छाँ भी करनी है, छाँछ करनी है थोड़ी, अभी थोड़ी देर में करते हैं। पहले थोड़ा चाय पीते हैं, ठंडी भगाते हैं, है ना, फिर करते हैं और काम। ये है एयरफोन, अरे वो एडिटिंग करने के लिए चाहिए होता है ना। आजकल मीशो मीशो बहुत हो रही है ना, अमेजोन के बाद मीशो ही दिखा रहे हैं ज़्यादा। देखो मैंने अपने लिए मंगाए थे कि एक सामान लगाओगे आप? एक सामान नहीं, मैं एक संभाल दूंगी, एक रखूंगी, और खुद हड़प लिया। नहीं मेरे को ऐसे ही पसंद है, वो जो रबड़ वाले होते हैं ना कान में ही नहीं घुसते, ये घुस रहे हैं ना कान में, देखा। तो गाइस देखो इसके ना ये वाले हैं ऐसे रबड़ वाले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सब निकल जाते हैं। गाइस मैंने ये ईयरफोन लगा लिए हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? आई होप सो आ रही होगी। एक बार मैं वीडियो चालू करके देखती हूँ जो रिकॉर्ड कर रही हूँ। खुशी ने भी लगा लिया, सुना तो कैसा आ रहा है, गाने वाने सुनाई दे रहे हैं कुछ? सही है ना, मेरा तो ईयरफोन सही है, और जो मैंने रिकॉर्ड किया अभी वो भी सुनाई दे रहा है। तेरे को सुनाई दे रहा है ना बराबर? चलो तो गाइस पता है इसका प्राइस कितना है? अभी चलेंगे नहीं चलेंगे वो तो नहीं मालूम, पर 108 रुपये में दो मिल गए हैं। एक या दो महीना तो चल ही जाएगा। चल 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 जल्दी चल, चल। अरे अब तो आ गई ना, तो भीग के कपड़े बंद भी हो गई है। बंद हो गई? मैंने तो ध्यान ही नहीं कि मैं तब से खाना बना रही थी, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं तब से आटा गूंद रही, सब्जी बना रही, और वो फिर उसमें देखने लग गई। सब्जी बना रही है? सब्जी तो जा रही। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरे कहाँ जली है? नहीं जली, थोड़ा सी तौल लगी, उसको जलना बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं तौल लग रहा, तो यहाँ बोल दिया हमने हमारे स्टाइल में, वो तो जलना ही बोलेगी। अरे गाइस ये देखो कितनी अच्छी सब्जी बनी है, इसको जलना बोलते, जरा से इधर लग रही है, इसको बोले जल गए, कितनी हाँ हाँ क्या खुशबू आ रही है, चुप रहे। गाइस मम्मी ने घी निकाल लिया है, मम्मी से घी को कंटेनर में डाल दी है, जिससे हम रोटी पे घी लगा के खा सके। ये है रोटी बना रही हूँ मैं, यहाँ मम्मी घी निकाल दिए और गाने चल रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि गैस बर्बाद करिए, ये बर्बाद करिए। ओहो और गैस, अरे तवा तो गरम होने दे भाई। अच्छा सॉरी गैस, मैंने घी बना लिया है, देखो गैस कान्हा आ चुका है। आ जाए ऐसी गाइस, देखो मैंने टोपला पहन रखा है ये वाला, आज बहुत ठंड लग रही है और आज पूरे दिन भर बारिश थी, पूरे दिन भर। देखो गाइस कैसा हो रखा बादल, ये आज पूरे दिन भर बारिश थी। और ये देखो छत, देखो मेरी कितनी गीली हो रखी है। गाइस मैं आ गई हूँ नीचे, टाइम हो गया 5:45, और गाइस आज तो बारिश ने हद कर दी, सुबह से बारिश लगी हुई है और पूरे दिन भर बारिश थी, आज एक कपड़ा नहीं सूखा। और कान्हा ना ऐसे में भी गया हुआ है एकेडमी, बताओ। और मैंने एकेडमी वाले सर को मैसेज भी किया कि सर आज वो क्या बोलते हैं एकेडमी चालू है, तो सर ने लिखा है यस। क्या करे इतनी ठंड में, वो लड़का एक कच्छे में और एक टी शर्ट में वहाँ खेलेगा, क्या बोले। अभी तू तो रहे घर पे, अभी आया जस्ट और अभी चल दिया घर पे। ठीक है चल जा। हाँ हाँ ठीक है,
जाओ जल्दी आओ। नहीं चलाता हूँ। तू बाहर चलो। बाहर रोड खराब है। नहीं। अरे ऐसे घुमा के ले आना आगे से। जाओ जाओ। टाइम हो गया 8:30 और आज हम लोग ना खाएंगे रात को समोसा चाट। आज रोटी वोटी नहीं बना रहे। आज कुछ स्पेशल ही हो रहा है। और बाहर सुन रहे हो आप कितनी जोर जोर से गाने बज रहे हैं। बारात जा रही थी अभी इधर से, फिर आ गई क्या इधर है, आवाज आ रही है बड़ी तेज। तो चलिए गाइस हम तो समोसा चाट खाते हैं। समोसा चाट, अरे वाह मस्त लग रहा है यार। और कान्हा खुशी सुलाने में लग गई है उसको। और हम लोग जेठालाल भी देख रहे हैं साथ साथ। तो चलिए खाते हैं समोसा चाट। आ जाओ खा खुशा। कैसा हो रहा है? मस्त मस्त। और गाइस अभी एक इनविटेशन आया है शादियों की। बाहर जगह जगह से शादियां। देखो 5 तारीख का है, 5 तारीख को शादी पे बुलाया है। गाइस जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टर्नल था उसमें हमारे भाई मजदूर फंसे हुए थे, जो 41 लोग थे अलग अलग स्टेट के, वो आज फाइनली बाहर आ गए हैं। ये देखिए धामी सरकार की जो ये इतनी जो उनकी पूरी टीम लगी हुई थी और आज जाके सफलता मिली है। धामी सरकार के निगरानी में जो ये रेस्क्यू चलाया गया था और पूरे देश में मतलब इसी पे सबकी निगाहें रुकी हुई थी कि ये कैसे निकलेंगे कैसे निकलेंगे। वहाँ ट्रेन का एक सुरंग बनाई जा रही थी, टनल बनाया जा रहा था पहाड़ को तोड़ के, तो उसके नीचे मजदूर फंस गए थे। जिनको इसके बारे में पता नहीं है उनको मैं खासकर बताना चाहती हूँ कि ये जो घटना घटी है उत्तरकाशी में हुई है और आज जाके सफलता मिली है। 400 घंटे लग गए हैं इस रेस्क्यू को, यानी कि 17 दिन। तो आप सोच सकते हैं उनके परिवार की क्या हालत हो रही होगी, किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे होंगे। और आज जाके मतलब बहुत ही खुश हो रहे होंगे उनके परिवार वाले कि फाइनली आज वो घर आ जाएंगे। जब कोई काम पे जाता है और घर नहीं आता ना, तो फिर कैसे, आपको पता ही है कैसे दिल में होता है कि कब घर आए। और ये लोग तो 17 दिन से वहाँ फंसे हुए थे। चलो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की यही तो एक खासियत है कि भाई वहाँ पे कोई भी निराश नहीं रहता है, है ना। तो फाइनली आज ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और बहुत खुशी की बात है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी कभी न्यूज़ भी देखा कीजिए, क्योंकि जब न्यूज़ देखते हैं ना दुनियादारी की जो बात होती है इधर उधर की वो हमें भी पता चलती है। कभी कभी डेली नहीं बोल रही, हर बार न्यूज़ से नहीं चिपके रहो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना वो न्यूज़ में हमें पता चलती है। तो न्यूज़ भी देखना इम्पोर्टेंट है, बच्चों को भी बड़ों को भी बुजुर्गों को भी। अगर आप बाय चांस नहीं देखते हो तो हम हैं ही आपके लिए, कुछ ना कुछ जो भी ऐसा घटित होता है वो मैं आपको बताती रहूंगी। वो सब यहाँ पर थे, वीके सिंह मुख्यमंत्री दोनों इस समय आपको उस मंदिर के बाहर गुफा के सुरंग के ठीक बाहर दिखाई पड़ती कि किसी भी हाल में हम हारेंगे नहीं। सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार से संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति हमारा एक एक व्यक्ति को मीडिया से भी थे टाइम हो गया 11:15 और पता है मेरी यार ना वीडियो मैंने 2 बार पहले एडिट करी, वो सारी क्लिप उड़ गई। वो अपना यूट्यूब क्रिएटर है ना, ये नया ऐप आया जो यूट्यूब का, उससे किया मैंने, पता नहीं कैसे हो गया। फिर मेरे को दूसरी ऐप यूज़ करनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, एडिट तो हो ही जाएगी, आ भी नहीं तो सुबह होता है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। और हाँ गाइज मैं अपनी जो वीडियो है ना छोटी छोटी वीडियो मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर जाना हो नहीं पाता है ना ज़्यादा, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ और बच्चे भी छोटे हैं और इतना हो नहीं पाता है जाना। कभी कभी जाते हैं तो आपको बताते हैं दिखाते हैं, तो मैं घर पे ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। थोड़े बहुत बच्चों के साथ हंसी मजाक के मोमेंट या फिर कुछ ऐसा दिखाना, कुछ नया होता है तो वो है ना। तो प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे साथ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।